So good morning class. Good morning sir. Welcome back to your YouTube channel Simply Classes. और हमने chemistry का एक portion पढ़ा था. बता सकते हैं क्या क्या study किया था? बोले जल्दी. Metals, non-metals, compound, mixture, electron dot structure. किसका बनाया था? Methane का. किसका बनाया था? और किसका बनाया था? Alcohol. किस क्या नाम था उसका पहले वाले का? मैथेनॉल. क्या नाम था? चलिए कल कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताए गए थे, आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे. डस्टर होना चाहिए. डस्टर नहीं, डस्टर दे दो. हम लोगों ने लास्ट टाइम सॉल्यूशन को स्टडी कर लिया था. करा था कि नहीं करा था? मिक्सचर को भी स्टडी किया था. होमोजीनियस हेटेरोजीनियस पढ़ लिए थे. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन. किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉल्यूशन. अच्छा, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको दो चीजें चाहिए होती है. द फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट. एक बार मैंने डिफाइन करवाया था, याद है किसी को? सॉल्यूट किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है? कोई भी एक बच्चा. डेरेडो बाल. हाँ, सॉल्यूट थोड़ी अच्छी डेफिनेशन तो. विच इज प्रेजेंट इन लो अमाउंट और इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट. एंड द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट. द सब्सटेंस विच इज, एक और डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है. द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट. समझ में आ रही है? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है? वो एग्जांपल देंगे. द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन. कोई बता दे एग्जांपल. नहीं, सॉल्ट वाटर तो पूरा सॉल्यूशन का कंपोजिशन बता रहे ना. मैं पूछ रहा हूँ द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड सॉल्ट. कौन सा सॉल्ट? टेबल सॉल्ट. केमिकल फॉर्मूला एनए का एटॉमिक नंबर. सीएल का. वेरी गुड, वेरी नाइस. ठीक. सो कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं. सॉल्ट सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर. सो इज सॉल्ट सॉल्यूशन. सॉल्ट इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट. सिमिलरली द सब्सटेंस लाइक शुगर, अमोनिया, क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड. केमिकल फॉर्मूला क्या होता है अमोनियम क्लोराइड का? नहीं नहीं, अमोनियम NH4. अमोनियम आयन नोट करेंगे NH4+. NH4+ अमोनियम आयन. और साथ में अगर मैं Cl लगा दूं माइनस वाला तो ये बन जाता है अमोनियम क्लोराइड. क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, इंपॉर्टेंट है NH4 से याद रखेंगे. यहां से आपको वैलेंसी की ध्यान आ रही होगी. देखो क्लोरीन की -1 होती है, +1 होती है और NH4 की +1 होती है. क्रिस क्रॉस रूल लगाएंगे तो NH4Cl. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर. ठीक है, नोट कर लेंगे अमोनियम क्लोराइड. जरा ध्यान देंगे बच्चों. सॉल्यूशन के अंदर आपने मुझे बताया कि सर एक होता है सॉल्यूट जिसके की पार्टिकल्स को डिसॉल्व करा जाता है. सही बात है ना? और एक होता है सॉल्वेंट जिस मीडियम में आप सॉल्यूट के पार्टिकल को डिसॉल्व करते. ऐसे ही था, बुलवाया ना? अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमको और दिखाई देती है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स को कहते हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स. क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स. डिस्पर्स वर्ड आपने पहले सुना है? सुना होगा.
परेड में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, खड़ा कीजिए, करते हैं? Yes, जब आपका परेड पूरा हो जाता है तो क्या कमांड आती है? परेड डिस्पर्स, सुनिए, मतलब इधर उधर फैल जाओ, बोलते हैं ना? Yes, अरे नहीं बोलते हैं? Yes, आपका कमांडर आपको कमांड करता है कि परेड डिस्पर्स, इसका मतलब होता है कि आप इधर उधर फैल जाओ। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल डिस्पर्स रहते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आज की बात अगर हम पूछें कि किसी सॉल्यूशन में डिस्पर्स पार्टिकल कौन से हैं, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया ब्राइन का, तो डिस्पर्स पार्टिकल कौन से हैं, किसके हैं? सॉल्ट के। कौन से सॉल्ट के? एनएसीएल के। क्लियर हो रहा है? और जिस मीडियम में डिस्पर्स पार्टिकल्स को डिसॉल्व करा जाता है उसे कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जैसे हम कोलॉइड को डिस्कस करेंगे वहां पे हम यही टर्म यूज करेंगे, कि द साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज बिटवीन दिस टू दैट नैनोमीटर, देन इट विल बी कोलॉइड। समझ में आ रही है बात? सब कुछ डिपेंड करेगा डिस्पर्स पार्टिकल्स के साइज पे। किस पर डिपेंड करेगा? डिस्पर्स पार्टिकल के साइज पे। किसी सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स पार्टिकल का साइज इतने से इतने नैनोमीटर का होगा तो आप उसे कहेंगे सस्पेंशन, या आप उसे कहेंगे कोलॉइड। बात समझ में आ रही है? इस टर्म को नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट हो गया? अच्छा ध्यान देंगे, अब समझिए। देखिए हमारे पास जो हम बनाते हैं जब दो सब्सटेंस को मिक्स करके, तो एक कैटेगरी बन सकती है सॉल्यूशन की, एक कोलॉइड्स की और एक सस्पेंशन की। बात समझ में आ रही है? आप जो भी घोल के बनाएंगे या तो सॉल्यूशन होगा या सस्पेंशन होगा या कोलॉइड होगा। पहले तो नाम दोहराइए, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इन तीनों में सिर्फ साइज का डिफरेंस होता है, किसके पार्टिकल्स का? डिस्पर्स पार्टिकल्स, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है कि जो हम बनाने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन बना या सस्पेंशन बना या फिर आवाज नहीं आ रही, अच्छा ठीक है। एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं, डिस्पर्स पार्टिकल्स का साइज मिनिमम होगा सॉल्यूशन में, इसीलिए तो इसमें लेयर ऑफ सेपरेशन विजिबल नहीं होती है। आ रही मस्त समझ में? इसी वजह से लेयर ऑफ सेपरेशन नहीं दिखाई देती है, जो बीच में पॉकेट्स बने होते हैं उनके अंदर बैठ जाते हैं डिस्पर्स पार्टिकल। समझ में आ रही बात? और बताओ मैक्सिमम किस में होना चाहिए, कोलॉइड्स में कि सस्पेंशन में? आपने एक टर्म सुना है कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है, व्हाट डज इट मीन? आपको लटका दिया गया है, क्या बोलते हैं बोलो? आपको ना आप इधर के रहे ना उधर के, आपको हमने लटका दिया, सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंशन का मतलब होता है जब डिस्पर्स पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम में लटक रहे होते हैं, और लटकने के लिए बड़ा साइज चाहिए, बोलो हाँ या ना? तो सस्पेंशन के केस में डिस्पर्स पार्टिकल का साइज मैक्सिमम होता है। ये थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे, जानकारी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।
हो गया, समझ में आ रहा है अंतर? अच्छा, अब पहले हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे सॉल्यूशन को, फिर हम बढ़ेंगे कोलोइड की तरफ, और फिर लास्ट में आ जाएंगे सस्पेंशन में। हेडिंग लगाइए सॉल्यूशन। माइक काम करना बंद कर दिया, सॉरी इंटरप्ट करना पड़ेगा, तो वीडियो पॉज कर दो। ठीक है, हम लोगों ने स्टडी करा अभी तक कि जब भी हम किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो हमारे पास बन सकता है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। सबसे छोटा पार्टिकल का साइज किसका होगा? इसका। सबसे मैक्सिमम साइज किसमें हो सकता है? सस्पेंशन में। ठीक है, तो जरा पहले हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन, थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। हेडिंग लगाएं सॉल्यूशन। इसमें लिखे सॉल्यूशन लिखा होमोजीनियस सीआर। Solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. A solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. Homogeneous means the mixture is just same throughout. Homogeneous means the mixture is just same throughout. Yani sab jagah jaisa hi hai. Anshi ka kahan hai aaj? Anshi ka kahan hai? डॉक्टर की तबीयत खराब है। चलो ठीक है, आप समझ गए। होमोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं जो सब जगह मतलब सारा ही टॉप क्या होता है, सेम होता है। बोलिए बात समझ में आ रही है? आवाज कहाँ चलेगी तुम लोगों की? बात समझ में आ रही है? कुछ एग्जांपल लिख लें, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। देखेंगे पहला सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन। दूसरा वो मीठा मीठा जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है? सुगर सॉल्यूशन, वेरी गुड। और इसके बाद बार थोड़ा इंपॉर्टेंट है सिट्टा, चाउमीन में डलता है, देखा किसी ने? क्या बोलते हैं उसको? विनेगर, वी आई एन ई जी ए आर, वी आई एन ई जी ए आर। कंपोजिशन बता सकते हैं? नहीं, एसिटिक एसिड लिखिए, ए सी ई टी आई सी, एसिटिक एसिड प्लस वाटर। ठीक है, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, ये एडिबल एसिड है, तभी तो आप खा सकते हैं इसे, एडिबल एसिड। ठीक है, वीक एसिड है बेसिकली, इसलिए खाया जा सकता है। एसिडिक एसिड प्लस वाटर, ऑलमोस्ट 70% वाटर होता है और 30% एसिडिक एसिड मिला हुआ होता है। जो सिरके की बोतल आपने देखी होगी ना, पूरी कैसे लगती है? वाटर के जैसी। तो कैसा मिक्सचर बनता है? होमोजेनस, इसी वजह से जस्ट सेम थ्रू आउट होता है। बात समझ में आ रही है? Yes, सबको बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिए मेटल एलॉयज। मेटल एलॉयज ये भी होमोजेनस होते हैं, आप देखेंगे तो आपको कोई भी डिफरेंस नहीं पता चलेगा। मेटल एलॉयज सच एज ब्रास, स्टेनलेस स्टील, कॉमा मैगनीन MAGNIN, कॉमा कॉन्स्टेंटेन CONSTANTEN, कॉन्स्टेंटेन, कॉमा अल्निको ANICO। देखिए मैगनीन, कॉन्स्टेंटेन, अल्निको, ब्रास, स्टेनलेस स्टील। अच्छा, एक स्टेनलेस स्टील होता है, खाली स्टील होता है, पता आपको? स्टेनलेस स्टील होता है और एक स्टील होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग नहीं होती आसानी से, जंग नहीं लगता। ठीक है, तो चेक कीजिएगा ऐसा क्या मिलाते हैं जिसके कारण जंग ना लगे। जिंक की कोटिंग होती है, किसी की कोटिंग होती है? अभी बच्चा देखो पढ़ के आता है घर से, तो हमें अच्छा लगता है, आप भी पढ़ के आया करें। ठीक है ना?
पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे घर पे? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ हमने जानकारी ली किसके बारे में? सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में जानकारी ली? सॉल्यूशन। अब एक चीज और है, देखो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन और एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। आपने मूवी देखी है एक्वामैन? नहीं देखी? एक्वामैन देखी है? पानी वाला आदमी, पानी वाला आदमी। एक्वा वर्ड यूज होता है वाटर के लिए। किसके लिए यूज होता है? वाटर। जब भी आप सॉल्वेंट की फॉर्म में वाटर लेते हैं तो हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन बनाया हमने। कैसा बनाया? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वाफिना नाम सुना है? पानी की बॉटल का होता है बिस्लरी एक्वाफिना। तो एक्वा वर्ड किसके लिए यूज होता है? वाटर के लिए। जैसे हमने ब्राइन बनाया सॉल्ट प्लस वाटर, तो आप कह सकते हैं इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए, जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। एग्जाम्पल के लिए ब्राइन आप लिख सकते हैं, सुगर सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और वैरायटी होती है, दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यहां पे बच्चों सॉल्वेंट में हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को ले सकते हैं। जैसे आपने बेंजीन ले लिया, क्या ले लिया? बेंजीन। बोलिए, बेंजीन ले लिया। बेंजीन क्या है? हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6, ऐसे बनाते हैं। देखो कितना सुंदर स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 4 5 6 अल्टरनेट में बॉन्ड लगा देते हैं इस तरीके से। इसे हम कहते हैं केमिस्ट्री में बेंजीन, ठीक है। कुछ नहीं होता, लिक्विड है, सीधी सी बात है, लिक्विड है। यहां पे देखो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 6। हो गया मतलब, इस तरीके से, ठीक है। एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है? कल बढ़ाया था मैंने, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? 4। कितने बना सकता है? 4। इस कार्बन को चेक करो, उसके कितने बनाए? 2। 2 हाइड्रोजन यहां बना लिया, ओके। चार इस वाले ने कितने बनाए? 2। 4 और बना सकता है, ध्यान दो, एक डबल बॉन्ड आ गया। अब कितने हो गए? 1 2 3, एक बचेगा 4, ठीक है। इस वाले कार्बन को चेक करो, 1 2 3, एक बचा 4, एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट में आएगा, अल्टरनेट में एक डबल बॉन्ड यहां पे। इसके चेक करो, 1 2 3, एक बचा 4, क्लियर है। इसके चेक करो, 1 2 3, एक बचा 4, इसके चेक करो, 1 2 3, एक बचा 4। मेरे ख्याल से चेक कर लो, कार्बन आ गया, टोटल 6 हो गए, 1 2 3 4 5, कुछ गड़बड़ हो गया, इसके ज्यादा हो गया, इसका आगे ज्यादा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर, से ऐसा भी बनाते हैं और C6H6 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो मैं चीज और बता दूं, केमिस्ट्री में एक गोल्डन रूल है जिसको आपने ध्यान रखना है, दैट इज नोन एज लाइक डिसॉल्व लाइक। समान समान को घोल लेता है। क्या मतलब है इसका? अगर आपने कोई कंपाउंड आयनिक लिया है, कैसा लिया है? तो वो किसी आयनिक सॉल्वेंट में आराम से घुल जाएगा। हाँ, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है, अगर आपने कोई सॉल्यूट लिया है जो आयनिक है नेचर में और आप उसे किसी ऐसे सॉल्वेंट में डालेंगे जो आयनिक होगा, तो उसे अपने अंदर घोल देता है, डिसॉल्व कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल हमने उठाया NaCl, सही है, बोला आया ना? Yes, sir. आप सबको बताइए Na प्लस और Cl माइनस से मिलके बना था, आयनिक है कि नहीं है? आपने उठाया H2O, H2O का आपने उठा लिया। अच्छा, एक छोटी सी चीज आपको बताने जा रहा हूं, ऑक्सीजन क्या करता है कि यहां शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, बताया था आपको, एक बॉन्ड तब बनता है जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है थोड़ा सा, एज अ रिजल्ट
ऑक्सीजन भी जब पास चले जाते हैं तो ऑक्सीजन पे आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पे आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो ना? अरे इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज तो आएगा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। इसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। समझ में आ रही बात? एक नई चीज बताई आपको कि किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अच्छा एक बार मैं गुरु राम राय के टीचर के टेस्ट में गया था, ठीक है? तो वो लोग अगर आप टेंथ के टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपको पूरा पीसीएम पकड़ा देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो मैथमेटिक्स तो सरस्वती माँ की कृपा से मैंने खतरनाक करी, फिजिक्स भी मैंने कर ली थी, केमिस्ट्री भी कर ली थी। तो जो मेरा इंटरव्यू हुआ मेहनती जी के सामने जो उनके हेड होते हैं, तो मेरे को सवाल पूछा गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैंने ये आंसर दिया द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अगला सवाल जो मैम ने वहां बैठी थी उन्होंने पूछा कि सर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के नाम बताइए। क्या पूछा? एलिमेंट्स के नाम बताइए। तो मैंने बोला कि मैम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कहीं क्लोरीन भी आता है, ऐसे और भी होते हैं। तो मैडम ने कहा कि अगर एक शब्द में बोल रहा हूँ तो कैसे समझाएंगे? तो मैंने कहा सॉरी मैडम ये तो मुझे अभी नहीं आता है। तो मैडम ने कहा बेटा फोन। क्या बोला? फोन। एफ ओ एम्बुलेंस को याद कर लो। एफ फॉर, एफ फॉर, ओ फॉर, एन फॉर, खत्म। याद हो गया मुझे कुछ दिन के बाद से। तो जब भी कोई बच्चा पूछता तो मैं कहता हूँ एफ ओ एन फोन को याद करके जाओ, ठीक है? तो देखो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन क्या करता है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ऐसा पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाता है, बोलो ठीक है? अब ऐसे सब्सटेंसेस जो होते तो नेचर में कोवेलेंट है, H2O कैसा है? कोवेलेंट, बट उनमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो जाता है, उनको हम कहते हैं पोलर कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? यहां लिख लो कोवेलेंट कंपाउंड हमने लिए, उनमें डेवलप हो गया पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, तो बेटा हम इनको बोलते हैं पोलर कंपाउंड। क्या बोलते हैं? पोल बन गए इनमें, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल सुना है वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल डेवलप हो गए। अब जरा ध्यान देंगे पोलर कंपाउंड मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, पोलर कंपाउंड मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, और आयनिक कंपाउंड मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या ये दोनों नेचर में सेम नहीं हो गए? बोलो क्या दोनों के पास प्लस और माइनस डेवलप नहीं हो गया है? दैट इज व्हाई लाइक डिसॉल्व लाइक, इसीलिए NaCl जो कि प्लस माइनस वाला है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। बोलो बात समझ में आई? क्या आपको लाइक डिसॉल्व लाइक का सेंस समझ में आया? ताली बनती है, बजा दो। थैंक यू सो मच। इसको नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज केमिस्ट्री में हमारे साथ हुआ है, इसे नोट कर लीजिए शाबाश। तो यहाँ पे लाइक डिसॉल्व लाइक की कहानी भी हमको समझ में आई, और ये लाइक डिसॉल्व लाइक का रोल मुझे बताया था मेरे केमिस्ट्री टीचर संदीप भैया ने। संदीप भैया वो जी हैं जो वेब सीरीज में आ रहे हैं। संदीप भैया आज के डेट के जवाहर नवोदय विद्यालय, नहीं सॉरी नवोदय विद्यालय बम्बई बॉम्बे में टीचर है। बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री पढ़ाते थे, हमने ट्यूशन पढ़ाते थे BSc के टाइम पे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे केमिस्ट्री में। ऐसा बिल्कुल ऐसा घोल देते थे कि क्लास से छूटने के बाद भी हमको सारी केमिस्ट्री याद आती थी। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भी ऐसा समझाया जा सके। जो जो मैंने बोर्ड पर आया सब इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते रहेंगे।
हो गया, हो गया बच्चों, हो गया। अच्छा फिर से ध्यान देंगे, इस बेंजीन को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक नाम क्यों पड़ता है इसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है। ऑर्गेनिक टर्म वहां इसलिए होता है जहां कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में बात करी जाती है। बात समझ में आ रही है? कल भी मैंने बताया था आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा बताया था? कल सिखाया तो था आपको CH4 मीथेन बताया था, C2H5OH इथाइल एल्कोहल नहीं बताया था, CH3OH मेथनॉल बताया था ना। तो C6H6 विच इज बेंजीन दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मैंने और लिखा है, इस तरफ पहचान लीजिए सल्फर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है या कार्बन डिसल्फाइड, पहचानो जिसमें कार्बन है वही है। कौन सा है? कौन सा है? कार्बन डिसल्फाइड। क्या ये दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं? बोला हमने पढ़ा था मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, याद है? उसमें हमने लिखा था कि सल्फर जो है वो कार्बन डिसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको भी नोट कर लें, दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, कार्बन डिसल्फाइड CH2। नोट कर लिया मैं CH2 कार्बन डिसल्फाइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें घोलेंगे तो घुल जाएगा गारंटी, लेकिन वाटर में डालेंगे तो नहीं घुलेगा। जैसे केरोसिन होता है ना, हाइड्रोकार्बन होता है, केरोसिन क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसको आप पानी में घोलोगे तो नहीं घुलेगा, बुलक भी नहीं घुलेगा, क्योंकि वाटर पोलर होता है। कैसा होता है? Polar. और केमिस्ट्री के हिसाब से तो ओनली लाइक रिजॉल्व्स लाइक। क्लियर हो गई कहानी? पक्का? पक्का? चलो कुछ और एग्जांपल हम लोग सॉल्यूशन के लिखेंगे। CuSO4 क्या बोलते हैं इसे? कॉपर सल्फेट। अच्छा देखो इधर देखो, ध्यान दो, कॉपर सल्फेट पानी में घुला हुआ है, इसके नीचे लिखते हैं Au ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है केमिस्ट्री की। किसी ने लिख दिया NaCl और नीचे लिख दिया एक्वस, इसका मतलब क्या बताना चाह रहा हूं? ब्राइन। क्या बताना चाह रहा है? दैट मींस NaCl इज डिसॉल्वड इन वाटर। क्लियर है? यस सर। बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, इसे नोट करते फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते। कितने मिनट को हो गया वीडियो? ज्यादा लंबा तो नहीं जा रहा है? 18। अच्छा चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज हमको और जाननी है कि ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं सर, है ना? सच्चा सॉल्यूशन। देखिए ओनली सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ओनली सॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म True solutions. Only soluble substances form true solution. ठीक है, तो वो substances जो water में completely dissolve हो जाते हैं वो ही true solution बना सकते हैं। कोई example दे सकते हैं आप? कोई सस्ता टिकाऊ example दे सकते हैं true solution का? दीजिए जल्दी, हाथों से बोलो जोर से। ब्राइन। ब्राइन एक ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सुगर सॉल्यूशन होगा ट्रू सॉल्यूशन? हाँ बिल्कुल होगा, कभी चीनी घोल के देखना पानी। एक दिन आलिया ने भी से घोली भी थी ना, आलिया ट्रू सॉल्यूशन बना था कि नहीं बना था? आलिया जोर से बोलो। ठीक है, अब लिखेंगे हेडिंग, हम लोग जानना चाहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सीरीज कर दूं? यस सर। चलिए लिखिए प्रॉपर्टीज में। पॉइंट नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है कि हेटेरोजेनियस होता है? होमोजेनियस। पक्की बात है? यस सर। जीनियस नहीं जीनस। यस। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तभी तो लेयर ऑफ सेपरेशन दिखती नहीं है, आप देख करके डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते किसकी कॉन्स्टिट्यूएंट
कौन कौन से? पॉइंट नंबर वन, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर. दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो डिपेंड करता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साइज पे, है ना. क्या बोलते थे सॉल्यूट के पार्टिकल्स को? डिस्पर्स पार्टिकल. और जिस मीडियम में उसे डिस्पर्स करा जाएगा उसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन मीडियम. तो पॉइंट नंबर टू लगाएंगे, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल. द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल. बहुत छोटा होता है. इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर. इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर. अच्छा, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर? 10^-9 मीटर. आज ही आप कर लें, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10^-9 मीटर. मगर भी यूनिंग कर लो, इन्हें चेक करो, चार बार हो जाएगा. ठीक है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज देखो, ऐसा सॉल्यूट का पार्टिकल इसके जो डायमीटर है इट इज लेस देन 10^-9 मीटर. अगर किसी सॉल्यूशन में डिस्पर्स पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर यानी कि 10^-9 मीटर से छोटा है, तो 101% वो क्या बनने वाला है? सॉल्यूशन या फिर बनेगी टू सॉल्यूशन. क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई. नेक्स्ट लगाएंगे. अच्छा बताओ, इतना छोटा साइज है तो क्या आप इसे देख पाएंगे नेकेड आई से? क्या माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे? पक्का नहीं देख पाएंगे? कभी देखा माइक्रोस्कोप में? विजिबल नहीं होता. तो किससे देख पाएंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से. किससे देख पाएंगे? इलेक्ट्रॉन दिखा देता है, लेकिन आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते. तो लिखिए, नॉलेज लिखिए, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप. The particles of a solution cannot be seen even with a microscope. ठीक है, अभी बताओ इतना छोटा साइज 10^-9 मीटर का होने के कारण क्या ये फिल्टर के अंदर को पास कर जाएंगे? पक्का? देखिए जवाब, the particles of solution can pass through the filter paper. The particles of solution can pass through the filter paper so a solution cannot be separated by using filter paper. So a solution cannot be filtered by using फिल्टर पेपर. देखिए, सो अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर. क्लियर हो गया भाई? इतना छोटा साइज है ना, कि आप फिल्टर पेपर लगाएंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ही फिल्टर पेपर को पास कर जाते हैं, तो फिर पॉसिबल ही नहीं कि आप इसको सेपरेट करें फिल्टर पेपर की हेल्प से. तो कैसे सेपरेट करेंगे? कोई तो फिजिकल मेथड होगा? नहीं, कोई फिजिकल मेथड होगा भाई, निश्चय है ना? तो फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाता है. कंपाउंड थ्योरी है, इवेपोरेशन से. किसने बोला था? अभी सॉल्ट और वाटर मिक्स कर दो, इवेपोरेशन करा डालो, काम चल जाएगा. या फ्रीजिंग भी करा सकते हैं. फ्रीजिंग मतलब होता है ठंडा करो. ठंडा करने से भी हो सकता है? पॉसिबल नहीं हो सकता? नहीं हो सकता. जो पहले फ्रीज होगा वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, उठा के अलग निकाल लो, दूसरा वाला लिक्विड स्टेट में रह जाएगा. बोलो हाँ या ना? डिस्टिलेशन, जिसको हमने इवेपोरेशन कहा था. अच्छा, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है? क्या आपकी बॉडी इवेपोरेट करती है? क्या आपकी बॉडी से इवेपोरेशन होता है?
रहा है ना, हर टेम्परेचर पे होता है पक्का नहीं होता है। तुझे पसीना तभी आता है जब टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर होता है कि हमेशा आ जाता है? सोच के बताओ, हमेशा आता है? आपके कपड़े हर टेम्परेचर पे सूखते हैं कि खाली गर्मियों में सूखते हैं? हर टेम्परेचर पे। इसका मतलब इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है। नहीं पढ़ा आपने? पढ़ना चाहिए था। सर्दियों में भी कपड़े सूख जाते कि नहीं सूखते? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर। हर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता है। अब सवाल यह है कि सर ऐसा होता कैसे? थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके बात करते हैं, जरा बताए। बहुत अच्छा, हमने शर्ट पकड़ी, तार में टांग दी। अब बताओ इवेपोरेशन होता है कि नहीं होता? हाँ तो बोलो। तो कैसे वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होके वेपर में बदल जाते हैं, जरा बताओ। नहीं पता? जल्दी बोलो, पता कि नहीं पता? हीट को वो कौन, वो नहीं नाम बताओ, कौन हीट को एब्जॉर्ब करता है? वाटर के मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है। कहां से? सराउंडिंग से। क्या होता है कि जो एयर होती है उसके अंदर क्या होता है, हीट होती है। होती कि नहीं होती? नहीं होती। एयर के अंदर हीट है तो एयर के मॉलिक्यूल्स जब उस H2O के मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आते हैं तो चूंकि इनका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो वाटर के मॉलिक्यूल एयर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एज अ रिजल्ट वो लिक्विड से गैसीय स्टेट में बदलते हैं, उड़ जाते हैं। यही तो होता है। और आपका कपड़ा धीरे धीरे सूख जाता है। बोलो हाँ या ना। अब सवाल आता है व्हाई डू वी स्वेट, व्हाई डू वी प्रेस्पायर, प्रेस्पिरेशन यानी होता पसीना आना। हम लोगों को पसीना क्यों आता है बताओ? शाबाश, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब आपको पसीना आ रहा है तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। यही होता है, हमारी बॉडी स्वेटिंग इसलिए करती है ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि आप इतने हॉट हो जाओ कि भागने लग जाओ। तो बताओ स्वेटिंग क्यों होती है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब स्वेटिंग होती कैसे? हमारी स्किन में जो पोर्स रहते हैं। हाँ बोलो सरोज। स्किन में पोर्स रहते हैं तो वाटर का सर्कुलेशन होगा ना, जब डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन तो हमारी स्किन के पोर्स सारा। सही बोल रहे हो, थोड़ा सा और हमारे स्किन के पोर्स को पानी बाहर आ रहा है। चलो आज के होमवर्क के कि सबको व्हाई डू वी स्वेट का आंसर ढूंढेंगे पक्का। दुनिया से भी ध्यान आ रहा है कि क्लास टाइम की केमिस्ट्री में क्वेश्चन की है ना, है कि नहीं है? तो सबने इसका आंसर ढूंढना है कि व्हाई डू वी स्वेट, हाउ डज इट हैपन। समझ में आ रही बात, हम स्वेटिंग क्यों करते हैं और किस तरीके से होता है, क्लियर है? ढूंढ लेंगे। चलिए अगला पॉइंट लिखें, लिखे शाबाश। The solutions are very stable. सोल्यूशन बहुत स्टेबल होते हैं, एक बार बना दिया तो सदियों तक डिस्टर्ब नहीं होते हैं। सोल्यूट सॉल्वेंट सब बराबर मिक्स रहता है, आपको अलग अलग नहीं दिख पाएगा। That is why solutions are very stable. ठीक है, समझ गया ना? इसका मतलब है कि आपने उसे रख रखा तो रखे रखे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल अलग अलग नहीं हो सकते। लास्ट पॉइंट लिखेंगे इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बताओ, एक ट्रू सॉल्यूशन अगर हम बना लें और अगर हम उसमें लाइट डालें, लाइट ऐसा कुछ ब्राइट इसके अंदर घूम रखा है, यहां से अपन ने टॉर्च मारी, तो क्या लगता है आपको ये लाइट, जो लाइट है उसको सॉल्यूशन के पार्टिकल्स स्कैटर करेंगे कि नहीं करेंगे? स्कैटरिंग का मतलब जानते हैं पक्का? ये कोई पार्टिकल है इसमें लाइट पड़ी, ऐसे रैंडम हर डायरेक्शन में फैला देगा। क्या सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर कर सकता है?
यस और नो? यस सर। जोर से बोले? यस सर। आंसर इज नो। नो यस सर। पार्टिकल छोटे से पार्टिकल नहीं कर सकता। अब पूछो क्यों? पूछो ना। अरे पूछो ना पहले क्यों? इसलिए क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि लाइट को वो स्कैटर नहीं कर पाए। समझ में आ गया? कितना है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज? लेस देन 1 नैनोमीटर। कितना है? और रियल लाइट को स्कैटर करने के लिए घटा घटा पार्टिकल होना चाहिए जो आने वाले लाइट को स्कैटर कर सके। सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों के ही पार्टिकल में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले लाइट को स्कैटर कर सके। तो सुनो उसको क्या बोलते हैं। अगर लाइट स्कैटर हुई तो हम कहते हैं पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। अरे बोलो आया ना? Yes, sir. लाइट का पाथ विजिबल है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर से जब हम लाइट को पास कराते हैं तो पाथ ऑफ लाइट इनविजिबल रहता है। क्लियर हो गया? बोलो आया ना? Yes, sir. लिख लीजिए लास्ट पॉइंट। अ टू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। अ टू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट कॉमा दिस इज बिकॉज कॉमा दिस इज बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। दिस इज बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अब नेक्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ना उसको थोड़ा सा डिटेल दे दूं। अभी तक हमको ये लगता है कि सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो किसी सॉलिड को ही लिक्विड में डिसॉल्व किया जा सकता है, ऐसा सोचना बिल्कुल पाप है। ऐसा नहीं होता है कि आप हमेशा एक सॉलिड लेंगे NaCl और इसको डिसॉल्व करेंगे किसी लिक्विड के अंदर, ऐसा नहीं होता है। सॉल्यूशन को सॉलिड इन सॉलिड भी बनाया जा सकता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है एलॉयस। समझ रहे? बनाया ना? कार्बन जिंक तो आपने साथ में मिला दिया मोटर स्ट्रीट में ला करके और आपने क्या बना दिया? स्ट्रीट। समझ रहे ना? ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सॉलिड ही सॉलिड में डिसॉल्व करा जा सके। सॉलिड इन लिक्विड भी होता है, NaCl ब्रांड इसका एग्जांपल है। सॉलिड इन गैस भी होता है, गैस इन गैस भी होता है। कितने टाइप बताया मैंने आपको? पहला सॉलिड इन सॉलिड, दूसरा सॉलिड इन लिक्विड, तीसरा लिक्विड इन लिक्विड, चौथा गैस इन लिक्विड और पांचवा गैस इन गैस। तो पांच तरह के सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आई? पहला कौन सा था? सॉलिड इन सॉलिड। दूसरा सॉलिड इन लिक्विड। तीसरा लिक्विड इन लिक्विड। चौथा गैस इन लिक्विड। पांचवा गैस इन गैस। समझ में आ रही बात? पहला वाला जो हम यूज कर रहे हैं सॉलिड, दैट इज यूज फॉर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, और इसके पीछे हमने बोला सॉलिड इन सॉलिड, तो इनके बाद जो यूज हो रहा है दैट इज फॉर सॉल्वेंट। क्लियर है? yes. ये बताओ आप लोगों ने परफ्यूम देखा है? yes. पक्का? yes. इसका एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड का, सॉलिड इन लिक्विड का, लिक्विड इन लिक्विड का, लिक्विड इन गैस का और गैस इन गैस का। शाबाश। किसका है? लिक्विड इन गैस का। पक्का? गैस इन लिक्विड का। याद से सोचो लिक्विड इन गैस का कि गैस इन लिक्विड का? गैस बनी होती है लिक्विड के अंदर, मारते तो लगता है ना बॉडी में, गैस भागते हुए आती है अपने साथ लिक्विड लेकर के आती है, वो आपकी बॉडी में चिपक जाता है और आप बहुत सुंदर महकने लग जाता है। ऐसे ही तो होता है। आज के लिए काफी है, क्या आगे बढ़ा दूं? जल्दी बोलो। नहीं मन से बोलो। आज के लिए काफी है, क्या आगे बढ़ू? काफी है। थैंक यू सो मच। गुड बाय। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।